करनाल के नलीपार में एक विवाहिता का शव मिलने का मामला सामने आया है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम रूम में लाया गया है। पुलिस जांच अधिकारी रमेश कुमार एएसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि नलीपार में किसी महिला की हत्या हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर विवाहिता के पिता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है एवं आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही की जाएगी। रमेश कुमार पिटाई से उस मजबूरन क्या मतलब उसने क्या मतलब करा क्या नहीं करा हमें पता लगा कि उसने मतलब जहर का यार जहर की मतलब कुछ शिकायत नहीं हमारे पास। अच्छा मारे को तो ऐसा है तुम्हें उसके सुनो उसको तो हमारे को ऐसे शिकायत ही उसकी तो मार पिटाई की हुई है बस। अच्छा मैं उसके चाचा बोल रहा हूँ जी, बहुत हम बहुत मजबूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जी बहुत परेशान। ससुराल वाले तंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई दहेज के लिए भी कोई हाँ दहेज के लिए परेशान किया हो, वैसे तो मर नहीं सकती कोई भी। शादी कहाँ हुई थी जी? कहाँ शादी? नली पार जी। कितने साल पहले? ये 3 सालों के मतलब फिलहाल हुए नहीं है जी, 3 साल होने वाले थे। तो ससुराल वालों ने क्या बताया आपको? ससुराल ने कोई हमारे को जवाब नहीं दिया जी। क्या कहा उसने? पता क्या सुनो उसने पता क्या हमारे साथ मतलब के कोई जवाब मतलब ढंग से नहीं दे पाए वो। अच्छा उसके हमने अपने सिर से अपना कोशिश करी कि ये क्या अपने व्यक्ति को अपनी मतलब देखभाल से अपना संस्कार करेंगे अपने करेंगे हम क्या करें। क्या शक है? वही शक है कि इनको मजबूर मतलब तंग करा इन्होंने जी। इसको तंग करने के बाद मतलब इन्होंने मजबूर मतलब अच्छा अपना भत्ता भाई कही है मतलब कुछ भी इसके वैसे चोट लगी हुई है सारे शरीर पे जी। अच्छा मारपीट की? मारपीट की है जी। आपको अब सूचना मिली थी? अब मैं हमारे को मिली है जी कम से कम ये 12 बजे करीब। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी भी इनको मतलब सजा होनी चाहिए जी, मतलब इनको मतलब जो कर्तव्य जो इन्होंने किया जो मतलब इनको मतलब कर्तव्य मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मैं दलील नाम है जी मेरा। गाँव में पहुँचे थे, गांव में लड़की का फादर और उसके गांव वाले और अन्य आदमी मौजूद मिले। लड़की के फादर यशपाल के बयान पर पर्चा दर्ज किया जा चुका है और आगे कार्रवाई 323, 304B, 34IBC। क्या कार्रवाई की जा रही है आज? आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। आपका पूरा नाम? रमेश कुमार है सही। जो नलीपार की डेथ हुई है आज सुबह शाम को, आज सुबह करीब 8 बजे थाना सूचना प्राप्त हुई थी। अनु वाइफ ऑफ JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।